दोस्तों, क्या आपके मन में भी ये सवाल आता है कि क्या एलेक्सा ग्रीन स्किन के कार्टून कैरेक्टर के उपयोग करने से कॉपीराइट क्लेम आता है? क्या कॉपीराइट स्ट्राइक आता है? क्या कहीं रीयूज कंटेंट तो नहीं आएगा? क्या चैनल मोनेटाइज हो पाएगा या नहीं? आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि हमारे वीडियो कैसे यूज करने हैं और कैसे यूज नहीं करना है। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं सही तरीका। देखिए, हमारी ग्रीन स्किन वीडियो हो या कोई भी और चैनल का ग्रीन स्किन वीडियो, आपको करना क्या है, जैसे ही आप ग्रीन स्किन डाउनलोड करते हो उसे अपने चैनल में बैकग्राउंड हटा के यूज़ करना है। जैसे कि आप सैंपल में देख सकते हैं, पीछे का बैकग्राउंड हटा के आपको यूज़ करना है। अगर आप ग्रीन बैकग्राउंड हटा के कार्टून का एक बैकग्राउंड ऐड करते हो तो आपको कभी कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा, कभी स्ट्राइक नहीं आएगा, ना ही रीयूज कंटेंट आएगा और चैनल मोनेटाइज भी आसानी से होगा। दोस्तों, आप हमारे ग्रीन स्किन के वीडियो डाउनलोड करते हैं और उससे बिना बैकग्राउंड हटा ही डायरेक्टली ग्रीन स्किन में ही अपलोड करोगे तो आपको स्ट्राइक आ सकता है। और ध्यान है, 3 स्ट्राइक पे आपका चैनल हमेशा के लिए डिलीट हो सकता है, इसलिए बैकग्राउंड अवश्य चेंज करें। और दूसरा सबसे बड़ा नुकसान ये होता है दोस्तों, अगर आप हमारा बैकग्राउंड चेंज नहीं करते हो और ग्रीन स्किन बैकग्राउंड ही रखते हैं तो आपका वीडियो मैच होगा और मैच होने पर रीयूज कंटेंट आता है। और इससे नुकसान ये होगा, जब आपका चैनल मोनेटाइज में जाएगा तब यूट्यूब चेक करेगा कि आपका वीडियो किसी वीडियो से मैच तो नहीं हो रहा, तो इस समय क्या होगा, मेरे ग्रीन स्किन वीडियो आपके चैनल पे मैच होगी और जिस कारण रीयूज कंटेंट आएगा और आपका मोनेटाइजेशन रिजेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, आज से ही ग्रीन बैकग्राउंड हटा के कार्टून का बैकग्राउंड ऐड करके मज़ेदार वीडियो बनाएं और कमाएं ढेर सारे पैसे। और जब आपको हमारे वीडियो से अर्निंग होगी तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा खुशी का पल होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।